जब समय की शुरुआत हुई, जब ईश्वर ने इस दुनिया की रचना की, तो इसमें सब कुछ था, और वो भी बिल्कुल सही था। ईश्वर अपनी रचना से संतुष्ट थे, लेकिन सब बदल गया जब आदम और ईव से गलती हो गई। फिर भी ईश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया ताकि वो धरती पर जी सके और उनके आशीर्वाद से खुश रह सके, लेकिन गलती नहीं सुधरी। खैर, एक इंसान था जो ईश्वर से प्यार करता था और वो बड़ा ईमानदार था। उसका नाम नोआ था। नोआ मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक संदेश है। बताएं मेरे ईश्वर। सबसे बात करो और उन्हें आगाह करो कि मैं धरती और उसमें मौजूद हर चीज को बर्बाद करने वाला हूँ। तुम एक जहाज बनाओ जिसमें हर प्रकार के दो प्राणी के लिए जगह हो। दुनिया के अंत से पहले ये काम हो जाना चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसी आपकी आज्ञा मेरे ईश्वर। नोआ ने पेड़ काटे और जहाज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ईश्वर के कहे अनुसार मुझे एक बड़ी जहाज बनानी है। एक ऐसी जहाज बनानी होगी जो पानी से बचे। जहाज ने आकार लेना शुरू कर दिया था और उसी दौरान नोआ लोगों को समझाने भी लगा था। कृपया करके ईश्वर की राह पर चलो, उनसे प्रार्थना करो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। वे हम सबसे प्यार करते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो क्या होगा? बहुत जोरों की बरसात होगी, वो भी 40 दिनों तक। हमें तुम पे विश्वास नहीं है, ये बिल्कुल नामुमकिन है। और मान लो अगर 40 दिनों तक बरसात हुई तो हम उससे निपट लेंगे। ईश्वर की राह पर चलने की बजाय वो नोआ का मजाक उड़ाने लगे। जरा इस पागल को तो देखो, इसके पास और कोई काम नहीं है, जहाज बनाने में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है ये। दिन गुजरे। देखा, बारिश नहीं हुई। नोआ ने कहा था कि 40 दिनों तक बरसात होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें कुछ भी नहीं होने वाला, चलो चलें। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्होंने अपने गलत काम जारी रखे। जहाज लगभग तैयार हो गया, ये आखिरी किल है। जरा जांच कर लेता हूँ जो जहाज मैंने बनाई है वो पानी को सह पाएगा या नहीं। जैसे ही जहाज तैयार हो गया, ईश्वर ने नोआ से कहा, सुनो नोआ, 7 प्रकार के स्वच्छ जानवर ले आओ जो जोड़ी में हो, और 2 जो स्वच्छ ना हो। अपनी बीवी, अपने बच्चे और उनकी बीवियों को भी अपने साथ जहाज पर ले आओ। नोआ ने वही किया जो ईश्वर ने उससे कहा। जहाज में 7 गाय, 7 भेड़, 7 बकरियां, 7 मुर्गियां, 7 बदक, 7 टर्की, 2 शेर, 2 भालू, 2 हाथी, 2 जिराफ, 2 जेब्रा, 2 डॉगी, 2 बिल्लियां, 2 छिपकली, 2 मकड़ी और 2 छोटे खटमल को जहाज पर ले आया। लोग उसे अचंभित होकर देख रहे थे। नोआ का दिमाग खराब हो गया है। हाँ सच में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो उस बड़े जहाज पे क्यों रहना चाहता है, वो भी उन बदबूदार जानवरों के साथ। नोआ ने बाहर के लोगों को अफसोस से देखा। मैं इन्हें ईश्वर पर विश्वास दिलाने में नाकामयाब रहा। उसने लोगों से कहा, दोस्तों मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप भी इस जहाज में आ जाइए ताकि आप लोग भी सुरक्षित रहें। नोआ, उसका परिवार और सारे जानवरों ने जहाज के अंदर पूरी रात बिताई। अगले दिन सुबह जब वो जागे तो उन्होंने देखा कि बाहर सभी लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। सुनो नोआ, तुम तो कह रहे थे कि कल बरसात होने वाली है। खैर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, मतलब तुम गलत थे। दूसरे दिन भी वही हुआ, फिर तीसरे दिन भी वही, और चौथे दिन भी बरसात की एक बूंद तक नहीं गिरी। नोआ, तुमने जो कहा वो गलत था। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग अंदर आ जाएं, ताकि आप सब लोग सुरक्षित रह सकें। पांचवा और छठा दिन भी कुछ अलग नहीं था।
बरसात नहीं हुई और लोगों ने मजाक उड़ाना नहीं छोड़ा, लेकिन नोवा ने भी चेतावनी देना बंद नहीं किया और लोगों से विनती करता रहा। सातवां दिन भी बाकी दिनों जैसा ही रहा। फिर अचानक ईश्वर ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। अरे ये क्या था? मुझे लगा मुझ पर पानी की एक बूंद गिरी। फिर किसी और ने भी महसूस किया, फिर किसी और ने, और फिर बरसात शुरू हुई। गिरती रही, पानी भरता ही चला गया और थोड़ा सा ही वक्त बीता था कि जहाज उसमें तैरने लगा। 10 दिन गुजरे, 11 दिन, 12 दिन, 21, 22, 23, वो खिड़की से बाहर झांकने लगे। वो जिस दिशा में देखते बस बरसात ही नजर आती। 37, 48, 39, 40। 40 दिन गुजर चुके हैं, अब मैं जरा खिड़की खोल कर देखता हूँ। हे भगवान, हर तरफ तो सिर्फ पानी ही पानी है। उन्होंने एक हफ्ता इंतजार किया, फिर अचानक उन्हें एक झटका महसूस हुआ। जहाज थम गया है, हम शायद किनारे तक पहुंच चुके हैं। नोवा ने फिर खिड़की खोली और बाहर की दुनिया को देखने लगा। वो अरारत पहाड़ के ऊपर पहुंच चुके थे। ओह, पानी सूखने लगा है, अब मैं जमीन देख सकता हूँ। नोवा ने डव पक्षी को भेजा ताकि वो कहीं ठहरने की जगह ढूंढ सके। उसे अपने घोंसले के लिए जगह नहीं मिल रही थी, इससे नोवा ने अंदाजा लगा लिया कि अभी भी जमीन पर पानी भरा हुआ है। एक हफ्ता गुजरने के बाद नोवा ने डव पक्षी को फिर से बाहर भेजा। इस बार उसे बड़ी उम्मीद थी और डव पक्षी भी ऑलिव पेड़ की डंडी के साथ आया। पानी का स्तर नीचे उतर रहा है, पौधे उगने लगे हैं। उसने एक हफ्ता और इंतजार किया, खिड़की खोली और डव पक्षी को फिर से बाहर भेजा। इस बार डव पक्षी गया तो वापस लौट कर नहीं आया। डव वापस नहीं आया, शायद पानी पूरी तरह सूख चुका है। नोवा ने जहाज के ऊपरी हिस्से को खोल दिया और सूखी जमीन को ताकने लगा। वो बहुत ही खूबसूरत नजारा था। नोवा, अब तुम्हारे परिवार वाले और सभी जानवरों के लिए जहाज छोड़कर बाहर जाना मुनासिब है। हे ईश्वर, शुक्रिया हमारी रक्षा करने के लिए। उसने आसमान की ओर देखा तो उसे खूबसूरत इंद्रधनुष दिखाई दिया और ईश्वर की आवाज सुनाई दी जो उससे बात कर रही थी। ये इंद्रधनुष एक वादा है कि मैं इस धरती को बाढ़ से फिर कभी तबाह नहीं करूंगा।